हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो गूगल शीट की है। गूगल शीट में खास क्या है? गूगल शीट में आज खास है सीक्वेंस फॉर्मूला। सीक्वेंस नाम का एक फॉर्मूला होता है जो आपको एक 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 रो में लाइन वाइज जो है सीक्वेंस फिल करके दे देगा। यानी कि अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं यहां पे इज इक्वल टू एस ई क्यू यू ई एन सी ई, तो यहां पे जैसे ही मैं लिखता हूं एस ई क्यू तो यहां पे सीक्वेंस आ जाता है। आप टैब बटन प्रेस कर दीजिए, ये आपको सीक्वेंस वन बता रहा है, ऊपर दिख ही रहा है आपको। यहां से सीक्वेंस वन से 78 तक मैं चाहता हूं कि आ जाइए, यानी कि सीक्वेंस वाइज 1 2 3 ऐसे करके ये देता चला जाए। तो यहां पर आपको बस एंटर प्रेस करना है और आप देख पाएंगे यहां पर कि ये 78 तक ये फिल करके हमें दे देगा। यहां पे देख सकते हैं ये मैं इसे कलर चेंज कर देता हूं, आपको देख पाने में आसानी होगी। ये देख लीजिए यहां पर ये 78 तक आ चुका है, इसे डार्क कर देता हूं। अब ये देख सकते हैं 78 तक आ चुका है। तो इसी तरह से अगर आपको सीक्वेंस कैलकुलेट करना है तो आसानी के साथ आप ये सीक्वेंस देख सकते हैं। सीक्वेंस फॉर्मूले का बेसिक यूज आप देख सकते हैं। इसको लेकर के एडवांस में जो वीडियोस हैं वो भी मैं बनाता रहूंगा। फिलहाल के लिए आपको सीक्वेंस फॉर्मूला समझ में आया होगा कि ये काम कैसे करेगा। इट मींस कि जैसे रो नंबर 1 2 3 ये तो 1 में पूरा फिल हो गया, कॉलम्स में फिल हो गया, अब ये रो वाइज कैसे आएगा तो ये आगे चल करके आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।